क्या हुआ, बलि होगा, बलि का निषेध, ये लोग समर्थक है सब। बलि की जो शाश्वत विधि है, परंपरागत विधि है, बलि से पहले क्या कान में, उसके कान में कुछ मंत्र दिया जाता है। बलि की बहुत व्यापक पद्धति है। बच्चों को देखिए, युवा शक्तियों को देखिए, अश्लील मनोरंजन और मादक द्रव्य के रसिक हो रहे हैं। ये शुद्ध तंत्र की जो साधना पद्धति है मिथिलांचल के, वो यदि किसी को देखना है कि वो पूजा पद्धति क्या है, तो वो पूजा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। I like it. We also like it. हम दिमाग का भी कचरा, घर का भी कचरा, रोड का भी कचरा, ऑल क्लीन, समाज का कचरा। माय गॉड, माय गॉड, पगली देखा बे अगरबत्ती। हे गाइस, वेलकम टू जेट व्लॉग्स। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 137 और अभी हम जाने वाले हैं भाई राघव के दादी के घर की तरफ। वहाँ पे भाई हम देखने वाले हैं इसका जो प्रॉपर गांव है, गांव की साइड। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। और ये पीछे छुप छुप के देख रहा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भाई राघव की दादी के घर की तरफ। एंड ये है यहाँ का गांव। भाई आपका नाम क्या, मैंने पूछा ही नहीं। माधव चौधरी। अच्छा, इनका नाम भी माधव ही है। ओके चलो चलो अभी हम भाई घूमते हैं थोड़ा गांव। भाई बताते रहियो साथ साथ में कि क्या क्या है गांव में, ठीक है। ये तो चपड़ी होता है, चपड़ी बोलते हैं ना इसे, क्या बोलते हैं, पोखर। पोखर तो गाइस अभी हम आए हैं खेतों में, और मतलब पूरा जो गांव का देखने के लिए कि भाई कहां कहां पे है राघव की, मतलब जो ज़मीन है और उनके भाई की जो ज़मीन है वो कहां पे है, वो भी देखते हैं अभी। एंड भाई ये नेचर बहुत अच्छा है यार, ये आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगा कि चारों तरफ आपको हरियाली मिल जाए और इतनी शांति मिल जाए। कोई गाड़ी नहीं, कोई रोला नहीं, कोई किसी का आवाज़ नहीं आ रही, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ पक्षियों की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, हमारी बाकी आवाज़ है, और थोड़ी बहुत जो गाँव से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे वो अभी आंटी वहाँ पर काम कर रही है उनकी आवाज़ें आ रही हैं। पैसे नहीं था, दवाई के लिए पैसा नहीं है, पूरा पैर सर के शुगर बढ़ गया, तनखो मिला थे मैम साहब के अकाउंट में आया, उनको टाइम ही नहीं मिलता। कौन मिल साहब आप, इसको हाँ स्कूल में नौकरी करती है, जो खाना बनाती है उसी के अकाउंट में डाल। इंजीनियरिंग सीख रहे क्या? नहीं, सरकार मोदी नीतीश दिया है। सुबह सुबह घर से कचरा उठाने वाला काम करते हैं हम, दिमाग का भी कचरा, ध्यान के यही है हम, दिमाग का भी कचरा, घर का भी कचरा, रोड का भी कचरा, ऑल क्लीन, समाज का कचरा। माय गॉड, माय गॉड, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। अगरबत्ती वाला गाना सुना दो। पगली देखा बे अगरबत्ती, हमरा फोटो के बुझाताऊ देवता हो, पूजा करे लेके रोज धूप बोती, पगली देखा बे अगरबत्ती। वाइब है, वाइब है, चलिए बहुत आड़ भाई, बहुत आड़, मजेदार। पगली देखा बे अगरबत्ती, ये अलग ही खुशी में है भाई। अलग ही खुशी में जा रहा भाई बंदा, फुल टाइम रहता भाई खुशी। पगली दिखावे अगरबत्ती। भाई अभी हम गांव घूम रहे थे, एंड यहाँ पे पीछे कुछ लोग हैं भाई मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। मतलब मैंने वीडियोस वगैरह में देखा भाई अभी तक, तो वैसे मछली पकड़ते हुए मतलब वो एक स्टिक से पकड़ते हैं, जो जाल वगैरह में तो देखा हुआ है वैसे, पर जो स्टिक से पकड़ते हैं वो यहीं पे पकड़ रहे हैं। देसी जुगाड़ से स्टिक बना रखी है, सामने हुक लगा के मछलियाँ पकड़ रखी हैं दो तीन, तो इसी तालाब में से। एंड आज थोड़ी देर बाद भाई हम निकलने वाले हैं गाँव घूमने के लिए, मतलब गाँव के आसपास जो एक फेमस मंदिर है वहाँ जाने वाले हैं राघव के साथ। तो लेट्स सी, अभी यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं सीधा मंदिर वगैरह घूमने के लिए। अभी भाई हम घर पे बैठे हैं राघव के, एंड भाई यहाँ पे पूरी जो फील ले रहे हैं गांव की, और यहाँ पे भाई जो गाय है वो अपनी आवाज़ें निकाल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं मंदिर है यहाँ पे एक बहुत फेमस, और ये देख सकते हैं भाई आप ऊपर का नज़ारा कि कितना सुंदर लग रहा है भाई, सामने हरियाली, पूरे पेड़ ही पेड़ चारों तरफ,
भाई मेरे ना कुछ जो बोध गया, मैंने एक व्लॉग बनाया था उसमें ना मैंने एक कुछ शायद मैंने कोई गलत नॉलेज दे दी होगी भाई, मुझे नहीं पता, पर हो सकता भाई, देखो मैं भगवान नहीं हूँ, कुछ ना कुछ अगर पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ अगर किसी से सुन रहा हूँ, तो भाई मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आपको बताने के लिए, पढ़ के या फिर सुन के, ठीक है। अगर उसमें से मैंने किसी ने गलत मेरे को नॉलेज दे दी, मैंने आपको गलत ट्रांसफ़र कर दी, तो भाई इसमें मतलब इतना क्या बड़ी बात होगी। मेरे को एक बंदा कमेंट करके बोल रहा है कि भाई तुम तो भाई चैनल छोड़ दो, तुम तो बंद कर दो, तुम तो गलत नॉलेज फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई तो इतना ही ज्ञान का वो है, तो चैनल शुरू कर, घूम और बना वीडियो, दे दे लोगों को सही ज्ञान, अगर इतनी देर में चुल है तो। मतलब लोगों को भाई उंगली करने की आदत रहती है, मतलब खुद कुछ करना नहीं, लोगों को करने देना नहीं, ये आदत ना भाई निकाल लो, ठीक है। इसीलिए तुम लोग ना खुद चल सकते हो, लोगों को चलता देख नहीं सकते। अभी हम पहुंच चुके हैं दरभंगा के एक बहुत ही मशहूर मंदिर के अंदर, जिसका नाम है रामेश्वरी श्यामा माई मंदिर। अभी अंदर चलते हैं, पहले सबसे पहले माथा टेक के आते हैं, अगर अंदर हमें शूट करने की परमिशन मिल जाती है तो आपको शूट करके भी दिखा देंगे। मंदिर का है श्री रामेश्वरी श्यामा मंदिर, और ये किस जगह लोकेटेड है? ये है दरभंगा में, दरभंगा के मध्य में, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय के मुहाने पर। और ये कब बनाया और किसने बनाया? ये 1933 में स्थापित हुआ है, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया है, और उनके पिता श्री रामेश्वर सिंह महाराज के ये चिता पर अवस्थित है। उनके मृत्यु के उपरांत इस मंदिर का निर्माण हुआ, और जो महाराज रामेश्वर सिंह विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक हुआ करते थे, इसलिए उनके चिता पर तंत्र साधना या तंत्र पद्धति के आधार पर यह मंदिर का निर्माण किया गया, और आज भी इस मंदिर की पूजा पद्धति तंत्र पद्धति पर ही होती है। हाँ, ऐसा है कि महाराज इस मूर्ति को पेरिस से इटालियन ब्लैक मार्बल के द्वारा बनवा करके मंगवाए थे, और एक ही पत्थर में यह नीचे शिव जी हैं और उसके ऊपर माँ भगवती काली स्थापित हैं, एक ही पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, और यह बन करके ही आकर के स्थापित हुई है। जो मंदिर बनने के बाद इसका प्रवेश करने में बहुत बड़े इंजीनियर का योगदान रहा, किसी किन प्रकार इसको स्थापित गर्भ द्वार के द्वारा गर्भगृह में स्थापित किया गया। तालाब है इससे, यह परिसर श्मशान परिसर है, दरभंगा महाराज के परिवार का यह श्मशान स्थल है, तो ये श्मशान स्थल का निर्माण उनके अपने वंश के लोगों के मृत्यु के उपरांत जलाने के लिए किया जाता था। यहाँ पर जितने भी मंदिर है सब उनके वंश के पूर्वजों के चिता पर ही अवस्थित है, और कभी महाराज की धारणा थी कि जो लोग मिथिला के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात देवघर नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाएंगे, वैसे लोगों के लिए इस दरभंगा के मध्य में इस तालाब का निर्माण कराया गया कि उसका जल लेकर के सामने में माधवेश्वर सिंह के चिता पर माधवेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना किया गया, जिस पर उस जल से अभिषेक करने से उस चतुर्धाम ज्योतिर्लिंग के जल चढ़ाने के बराबर उसकी फल की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ, इसी कामना के साथ इस तालाब का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर का बनावट जब आप बाहर से देखिएगा तो गुम्बद जो गिनिएगा ना, ये काली का स्थापना हुआ है यहाँ पर, और काली के यंत्र में जितने देवता हैं उतने ही गुंबज मिलेंगे आपको ऊपर। ये अलौकिक बात है, गुप्त बात है, जो आपको आज तक देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ये बलि का विरोध करने के लिए वैष्णव संत आ रहे थे। क्या हुआ, बलि होगा? बलि का निषेध, ये लोग समर्थक है सब। छत में क्या लगा है? ये नवग्रह, एक तो भद्र रुद्र लिंग, तो भद्र पंचलोकपाल, दस दिग्पाल, सूर्य और चंद्रमा, माने पूरे तांत्रिक मेथड से बनाया गया ये मंदिर है। ये शुद्ध तंत्र की जो साधना पद्धति है मिथिलांचल के, वो यदि किसी को देखना है कि वो पूजा पद्धति क्या है, तो वो पूजा आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
सुबह में जो पूजा यहाँ के प्रधान पूजगिरी के द्वारा होता है वो परंपरा से जो हो रहा है वो हूबहू वैसे ही शास्त्र में मिलेगा और वो यहाँ हो रहा है। रही बलि की बात, बलि के पक्ष में शास्त्रों की क्या उक्ति है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वेद में बलि का विधान किया गया है, वेद जिसका निंदा किया है वो काम नहीं करना चाहिए और वेद जिसका प्रतिपादन किया है वो आचरण में लाना चाहिए। वेद ने बलि का समर्थन किया है। राजा जनक और सुख का संवाद हो रहा है, उसमें शुकाचार्य व्यास के एकलौता पुत्र ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी जब मिथिला में पधारे हैं तो वहाँ पर जनक से 4 प्रश्न किए हैं। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में 18वां-19वां अध्याय है, इसमें 4 प्रश्न, एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि मैं वैदिक व्यवस्था को नहीं मानता हूँ जनक जी, क्योंकि वेद में पशु हिंसा की प्राबल्यता है, मदिरापान ये सब प्रत्यक्ष अनाचार है वेद का, इसलिए हमको आस्था नहीं है वेद में। तो जनक जी ने उसका खंडन किया, फिर खंडन किया, बाद में मंडन भी किया कि ये जो वेद में प्रत्यक्ष आचार दिख रहा है आपको ये सबके कल्याण के लिए एक व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था, जो आप राग पूर्व यदि वही काम करते हैं तो वो का निंदा के पात्र हो जाते हैं और वही राग रहित होकर के जब आप करते हैं तो वो निंदा नहीं होता है। तो वैदिक हिंसा न हिंसा होती, जिसमें आप हिंसा देख रहे हैं वो यदि राग रहित हो जाए तो वो हिंसा नहीं हो जाता है। और उदाहरण क्या दिया है वहाँ पर, जलती हुई आग में ईंधन का संयोग होगा तो धुआं का प्राबल्य होगा, इसीलिए कोई भी कर्म कर्तव्य बुद्धि से यदि आप करेंगे, राग नहीं है उसमें, व्यवस्था बुद्धि से, धर्म बुद्धि से, विश्व की हित बुद्धि से करेंगे तो उस कर्म में दोष नहीं है, खंडन किया गया है। रही बात ये बलि की, तो मिर्जापुर विंध्यवासिनी मंदिर, यहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिक और विद्वान हुए, तांत्रिक हुए हैं साधक, बगलामुखी के उग्र साधक हल्ली झा, तो हल्ली झा ने एक बार ऐसे बलि का विरोध हुआ था मिर्जापुर में, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ भी वैष्णव जनों का प्राबल्य हो गया है, यहाँ भी विंध्यवासिनी में बलि बंद हो जाएगी। तो हमारे रामेश्वर सिंह थे उस समय अध्यक्ष, उन्हें कहा हल्ली झा यहाँ भी वैष्णव सब आ गए हैं और बोलते हैं कि बलि बंद होना चाहिए, बोला ठीक है। तो हम चलते हैं मिर्जापुर, मिर्जापुर गए, एक खर्ग लिए, कुछ पैसा मांगे, एक छागर भी ले लिए और सब पंडित बैठे हुए थे, बलि बलि नहीं होना चाहिए इसके पक्ष में तर्क लेकर के। हल्ली झा मंच पर गया, रामेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे साथ एक विशिष्ट साधक आए हुए हैं, इनको आप लोग तर्क से संतुष्ट कर दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर भी घोषणा कर देंगे कि बलि नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? विंध्यवासिनी मिर्जापुर। तब तक हल्ली झा पहुँचे खर्ग और मंच पर लेकर के वो छाग, और वो क्या कर रहे हैं कि सुनिए पुस्तक में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है हमको कुछ पता नहीं, हम इसको बलि देंगे, आप लोग आकर के जिंदा कर दीजिए, फिर आप लोग जो कहिएगा वही होगा कल से, नहीं तो आप लोग बलि दीजिए, हम जिंदा करेंगे तो फिर हम जो बोलेंगे सो होगा। कोई उनके सामने में ठटने वाला नहीं रहा। उस समय के पेपर में शायद ये भी निकला था, हल्दी आयो दिल्ली पंडित पर आयो गली, ठीक है। तो ये बलि की मान्यता है, बलि में आपकी भावना क्या है, बलि के विधेय में शास्त्रों ने समर्थन किया है, बलि का निंदा नहीं किया है, भागवत इत्यादि शास्त्रों में भी बलि का विधान किया गया है, बाकी तंत्र इत्यादि में तो है ही पंचबलि, लेकिन उसका फिर मीनिंग हर जगह में अलग अलग हो जाता है, समझने की बात है। आजकल बलि के नाम पर जो हो रहा है हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, आजकल बलि के नाम पर जो हो रहा है हम भी इसका विरोधी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बलि की जो शाश्वत विधि है, परंपरागत विधि है, बलि से पहले क्या कान में, उसके कान में कुछ मंत्र दिया जाता है, बलि की बहुत व्यापक पद्धति है, जिसे हम बलि देते हैं उसकी क्या गति होती है, जिस पशु का हम बलि करते हैं क्या नरमेध यज्ञ नहीं था, नर की बलि की पद्धति नहीं था, महिषा बलि का पद्धति नहीं था, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे क्या, उसमें बलि नहीं हुआ था क्या? तो शास्त्रों में तो बलि का विधान है ही, तो आजकल लोग क्या करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसके मर्म को नहीं समझते हैं, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्यों, उसके पीछे में शास्त्रों की क्या मत है, शास्त्रों की क्या उक्ति है, इसको तो खोजिए। आधा ज्ञान तो आधा ज्ञान से ये सब स्थिति बन रही है आजकल। बलि तो हमारी चलाई हुई नहीं भाई यहाँ पर, कि हम आज से बलि चला दिए हैं, इससे पहले तो कोई विद्वान रहा होगा ना क्या, परंपरा टूट रहा है सब जगह, परंपरा के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इसीलिए जो धर्माचारी हमारे हैं विशेषज्ञ हैं उनसे जाकर के परामर्श लेना चाहिए,
जो शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्रज्ञ मनीषी है, उनके समक्ष तो ये प्रश्न प्रस्ताव रखना चाहिए ना, या कोर्ट कानून में जाना चाहिए इस विषय को। धर्म के बारे में कोर्ट क्या जानती है? धर्म के बारे में तो जो धर्माशास्त्री है, धर्माचार्य हमारे हैं, उनसे जाकर के आप डिस्कस करिए, तब निर्णय लीजिए। जो अब जो जो विषय के विद्वान है वहाँ जाकर के प्रमाण मांगिए, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, वो तो तर्क देंगे ना। तो आजकल जो ये हो रहा है ना, तो सनातन धर्म की जो विकृति ये सब है ना, इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ संस्कार प्राय लुप्त ही हो रहा है। अभी एक गीत है ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है नहीं लूटबाज। सब कुछ जब पाकिस्तानी हो जाएगा, इंग्लिस्तानी हो जाएगा, तो बेचारा दिल ही क्या करेगा हिंदुस्तानी रह करके। वो बोलेगा हम भी पाकिस्तानी। आजकल क्या हो रहा है हमारे यहाँ, सब कल्चर इंग्लिस्तानी इंग्लिस्तानी, हमारे सनातन संस्कृति के विपरीत सब हो रहा है ना। तो हमारे सनातन संस्कृति के विपरीत जब सारा कल्चर हो रहा है, ये शिक्षा पद्धति क्या हमारी अपनी है? ये रक्षा का पद्धति हमारी अपनी है? ये न्याय की विज्ञान हमारी अपनी है? ये वाणिज्य का विज्ञान हमारी अपनी है? कृषि का विज्ञान जो अभी चल रहा है वो हमारी अपनी है? वाणिज्य हमारी अपनी है? तो जब हमारी अपनी कुछ भी नहीं है, तो ये कल्चर भी अपनी क्यों रह जाएगी? आजकल शादी विवाह का जो पद्धति हो रहा है, कोर्ट मैरिज हो रहा है, आप कोर्ट में रजिस्टर्ड करिए, जबकि हमारे यहाँ एक संस्कार है। वो वेदों में कुल 48 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 48 संस्कारों के अंतर्गत विवाह एक संस्कार है, जहाँ अंतिम संस्कार जो बोलते हैं चिता में अग्नि लगाना, वह भी एक संस्कार है, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब दाह हो रहा है, उसका नाम सब दाह है, वो संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ वो भी एक संस्कार है। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक दो बार आया है। स्कंद पुराण के एक श्लोक, क्या श्लोक है? गोभीर विप्रश्च वेदेश्च सती भी सत्यवादी भी अलुभ्यर दानशीलेश्च शब्द भीर धार्यते महिम। ये सात पदार्थ पृथ्वी को धारण करते हैं, कौन कौन? एक नंबर में गाय, देसी गाय, विप्र वेदी, वही विप्र गाय, विप्र वेद, अलुभ्यर निर्लोभ व्यक्ति, दानशील व्यक्ति, सती, साथ हो गया ना, वो भी विप्रेश सती भी सत्यवादी भी अलुभ्यर दानशीलेश्च सप्त भीर धारित महिम। ये सात जो पदार्थ है पृथ्वी को टिकाए हुआ है, धारण किया हुआ है। ऐसी गाय कहीं देखने को नहीं मिलेगा, चिड़ियाघर इत्यादि में भी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं गौशाला बचा हुआ है, बचा के रखे हुए हैं संत महात्मा लोग, तो वहाँ आपको मिलेगा। तो देसी गाय लुप्त हो गया। जब देसी गाय लुप्त हो जाएगी तो आप यज्ञ कैसे करेंगे? घी कहाँ से लाएंगे? जर्सी गाय का घी देंगे, पदार्थ अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध पदार्थ से यदि आप हवन करेंगे उसका फल कैसे होगा? यज्ञ करने में सब कुछ शुद्ध का सब सातों पदार्थ, सातों की शुद्धता चाहिए। तो आजकल ये सातों लुप्त हो गया। सातों लुप्त हो गया का मतलब क्या हुआ? यज्ञ लुप्त हो गया। यज्ञ लुप्त हुआ का मतलब क्या हो गया? पढ़िए गीता, भगवान कहते हैं अन्नादवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाधवति पर्जन्य यज्ञो कर्म समुद्भव। अर्थात इस यज्ञ से अन्न होता है, वृष्टि, वृष्टि यज्ञ से वृष्टि, जल वर्षा, और वर्षा से अन्न, और अन्न से हम आप होते हैं। हमारे आपके पिताजी अन्न खाए होंगे, तब तो रक्त मज्जा बीज बना, रज बीज बना, माता में रज और पिता में बीज, तब तो हमारी आपकी उत्पत्ति हुई ना। तो ये प्रक्रिया एक यज्ञ से सृष्टि का संरचना होता है, और यज्ञ लुप्त हो जाएगा। क्यों लुप्त हो जाएगा? क्योंकि ये सातों पदार्थों को सफाया किया जा रहा है, अभी हो रहा है ना, दुर्गति सफाया। तो क्या हो गया? तो इसी का मतलब समझिए, एक गाय को हटाने वाला व्यक्ति समझिए यज्ञ को समाप्त करता है। यज्ञ को समाप्त करने का मतलब वो सृष्टि को समाप्त करने में लगा हुआ है। बच्चों को देखिए, युवा शक्तियों को देखिए, अश्लील मनोरंजन और मादक द्रव्य के रसिक हो रहे हैं, क्या होगा? इसीलिए राष्ट्र को बचाना होगा तो सनातन धर्म की जो नीति है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको संविधान में डालना होगा, विद्वत जनों को बैठ करके, बुद्धिजीवियों का मीटिंग करके, कि जो तथ्य की बात है वो सिद्धांत में डालना चाहिए। नीति और अध्यात्म विहीन पद्धति लेकर के हम क्या करेंगे? और हिंदू अभी साईं बाबा के ऊपर में स्वरूपानंद सरस्वती जी पश्चिम के शंकराचार्य थोड़ा बयान दिए कि भाई ये भगवान राम नहीं है, इस पर हिंदू उसके मूर्ति पर जूता मार रहा है। देखिए वो परखने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने गुरु जी क्या बोला बताया, ऐसा बता दिया, माने कुएं में भांग पड़ा है, जो आया सब बदमस्त है।
समझने की स्थिति में रहने ही नहीं दिया ये मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क मैकाले की शिक्षा पद्धति से तैयार हुआ हुआ है भाई, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। तो जिस शिक्षा पद्धति से, जिस खान पान से, जिस रहन सहन से आपका निर्माण होगा, आपका बुद्धि भी वैसा ही बनेगा। भगवान बनाना क्या है? और साईं बाबा का, भगवान के विषय में चलिए, साईं बाबा का बात चला तो दो मिनट मैं और समय ले सकता हूँ आपका, और अपना समय दूंगा भी। पुरी के शंकराचार्य जी को आपकी जैसे एक पत्रकार ने पूछा कि महाराज साईं के ऊपर में जो अभी विवादित बयान शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी का दिया गया है, उसके विषय में आपका क्या मत है? शंकराचार्य जी का उक्त मैं बोलता हूँ हूबहू। उन्होंने, महाराज जी ने क्या बताया, देखिए भाई, एक ही परमेश्वर सर्वेश्वर एक है। उन्होंने विभिन्न कृत्यों को करने के लिए स्वयं को विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। सृष्टि नामक कृत को निर्वाह करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट करते हैं, तो उनका नाम हो जाता है ब्रह्मा। वही जब पालन नाम के कृत को निर्वाह करने के लिए स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, तो उनका नाम हो जाता है विष्णु। वही जब संहार नामक कृत का निर्वाह करने के लिए स्वयं को शंकर या महादेव के रूप में प्रकट करते, तो उनका नाम हो जाता है शंकर। वही जब अनुग्रह नाम के कृत्य को निर्वाह करने के लिए स्वयं को गणेश के रूप में प्रकट करते हैं, तो उनका नाम गणेश या गणपति हो जाता है। और वही जब निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को काली दुर्गा के रूप में प्रकट करते हैं, तो उनका नाम काली दुर्गा इत्यादि हो जाता है। परमात्मा एक ही है, तत्व तो एक ही है। पंच कृत्यों को निर्वाह करने के लिए वो पंच रूपों में स्वयं को ढाल लेते हैं, क्योंकि ये उत्तम कोटि के मदारी है। जो उत्तम कोटि के मदारी होते हैं वो जब जरूरत जैसा पड़े वैसा रूप धारण कर लेते हैं। तो हमारे परमात्मा वैसे करते हैं, सृष्टि को जब जिसकी जरूरत होती है उस समय वो रूप धारण कर लेते हैं। ये जो पंच देवता है, इनके जो सनातन शास्त्र सम्मत अवतार विग्रह, ये नहीं कि मनमाना, शास्त्रों में प्रूव होना चाहिए वो अवतार, उनके जो सनातन शास्त्र सम्मत अवतार विग्रह है, उनको आप हिंदू के मठ मंदिर में पूजा और प्रतिष्ठित कर सकते हैं, किसी अन्य को नहीं। तो आप शास्त्र सम्मत कहीं है, हिंदू सनातन शास्त्रों में कहीं है कि साई भगवान का अवतार है? यदि है तो आप पूजा करिए, नहीं है तो फिर आप समझिए क्या करना चाहिए। ठीक, अब मत समझ लीजिए, प्रत्येक पतिव्रता अपने पति को परमेश्वर समझती है, समझती है, समझने का उसे प्रशस्त अधिकार भी है, समझना भी चाहिए। और वो महिला यदि अकड़ जाए कि नहीं, इस मंदिर में हमारे ही पति देव का मूर्ति होना चाहिए, तो शिष्ट समाज में उसकी क्या होगी, सराहना होगी? कभी भर्त्सना ही होगी। अब हमारे लीजिए मुसलमान भाई, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई कहे कि ये मूर्ति अल्लाह का ही मूर्ति बनाकर उसके मस्जिद में लटकाया जाए, तो विश्व स्तर पर उपद्रव होगा कि नहीं होगा? अब देख लीजिए सर, ये आपको जो वेद वाले हैं, ये कौन है जो वेद को प्रमाण मानते हैं परंतु मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं? आर्य समाजी, वेद को प्रमाण मानते हुए भी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है उनकी, लेकिन वह जदानंद स्वामी का ही यदि कोई उनके मठ में मूर्ति लगा दे तो शिष्ट समाज में उसकी सराहना नहीं की जाएगी। उसी प्रकार से सनातन शास्त्रों में मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठा करने के योग केवल हमारे जो सनातन पद्धति से ये पंच देवता हैं, उनके या उनके जो अवतार होंगे, जैसे रुद्रा अवतार हनुमान जी हैं, तो एक शिव हो गए ना संहार कारक, उनके अवतार है रुद्र, तो आप हनुमान जी का प्रतिष्ठा करिए क्योंकि सनातन शास्त्र सम्मत है वो। तो इसी प्रकार से अभी हमारे हिंदू भाई समझने की स्थिति में नहीं है, और ये जो चंद राजनेता लोग हैं वो उनको उकसाने का काम करते हैं, इसीलिए समझ बूझ से काम लेना चाहिए। जो शिष्ट व्यक्ति है उनके सानिध्य में जाकर के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, स्वयं भी स्वाध्याय होना चाहिए, तब कुछ बोला जाए तो ठीक रहता है। अस्तु। अरे भाई, हमारे यहाँ तो प्रश्न उत्तर है, भगवान और अर्जुन का संवाद गीता में है, तो क्या है, संवाद ही तो है, शंका का समाधान ही तो है, शंका से ही तो शुरू हुआ है ना। अभी गीता में डॉट, अर्जुन को ही डॉट हुआ है, और डॉट हुआ है उनका क्वेश्चन हुआ है, उत्तर हुआ है, समाधान हुआ है ना बैठ के, तो समाधान उपनिषद क्या है, पूरे उपनिषद में तो वही है ना, गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य है वही तो उपनिषद है। अभी तो हम तो कहते हैं कि अभी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी पूरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, आप जाइए ना, साधक उनके जैसा नहीं, विद्वान उनके जैसा नहीं, शंकर साक्षात चरितार्थ है, जा करके सरकार उनसे पूछे
सात समुद्र पार से आकर के बराक ओबामा राष्ट्रपति था उनके उनसे आकर के मार्गदर्शन लिया। अमेरिका में एक समस्या आया एक समय में, तो ओबामा जी ने बोला कि इसका समाधान कैसे होगा। उनका एक शिष्टमंडल आया महाराज जी के पास में और उनसे समाधान लिया, उनको लाभ मिला, महाराज जी को उनका धन्यवाद पत्र मिला। UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक संगठन के आला अधिकारी, कुछ विश्व का ऐसा समस्या आया, अटपटा सा समझ नहीं सुलझ नहीं रहा था, महाराज जी से आकर के मार्गदर्शन लिया, उनको लाभ मिला, उनका धन्यवाद पत्र मिला। विश्व बैंक की कुछ समस्या, जटिल समस्या, यदि ये समस्या नहीं सुलझेगी तो फिर से वर्ल्ड वार होगी। उनका शिष्टमंडल आया, महाराज जी से परामर्श लिया, उनको लाभ मिला, उस संस्था का धन्यवाद पत्र महाराज जी को मिला। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर या प्रांतीय स्तर के कोई भी राजनेता दो चार मिनट महाराज जी के साथ विचार विमर्श क्यों नहीं करते हैं? भाई सात समुद्र पार आकर के विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन तुमको नहीं कोई गर्ज है क्या? क्यों गर्ज नहीं है? क्योंकि राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा पेट भर रहा है मजा से। जिसको राष्ट्र की चिंता है, जिसको संस्था की चिंता है, महाराज जी से आकर के विचार विमर्श कर रहा है आकर के, लेकिन तुम्हारे लिए खेत की मूली है वो, ये राष्ट्र की स्थिति हो रही है। गुरु की आवश्यकता नहीं है, सुनिए सुनिए, राक्षस का भी एक गुरु है शुक्राचार्य, देवता का भी एक गुरु है कौन? बृहस्पति। ईसाई का भी एक गुरु है पोप। इस्लाम का भी एक गुरु है मोहम्मद मोहम्मद साहब, है कि नहीं है? तो आपका कौन गुरु है? ये सनातन धर्मियों का, ये सरकार का कौन गुरु है? कोई गुरु नहीं है। क्यों? कि आप देवता से भी बड़े हैं, आप राक्षस से भी बड़े हैं, आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है। हम पूछते हैं गुरु गद्दी एलि भाई क्या है, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया से भी ऊंची गद्दी किसकी है? एलिजाबेथ या एलिजाबेथ, वहाँ गुरु गद्दी की पूछ है, लेकिन हमको गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि हमको राष्ट्र कुछ लेना देना नहीं है। हमको शासन चाहिए रामराज, लेकिन वशिष्ठ से परहेज है क्या? हमको शासन चाहिए चंद्रगुप्त वाला, लेकिन चाणक्य से परहेज है क्या? हमको शासन चाहिए छत्रपति शिवाजी वाला, लेकिन समर्थ गुरु रामदास से परहेज है। अरे भाई हमको फल चाहिए शास्त्र वाला, लेकिन विधि से परहेज है, विधि मनमाना करेंगे क्या? तो भाई ये मिलने वाला नहीं है, आधा तीतर आधा बटेर होने वाला नहीं है। यदि आपको फल चाहिए शास्त्र वाला, तो विधि भी करना पड़ेगा शास्त्र वाला क्या पंडित जी? चलिए कितना बताऊं आपको, मैंने बता दिया, चलिए सो गाइस अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे भाई हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला, आपको भी हमने वो सारा ज्ञान जो है शेयर किया। भाई इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारा ज्ञान मिल सके। अभी हम जा रहे हैं सीधा महावीर जी के मंदिर की तरफ, यहाँ पे एक और महावीर जी का मंदिर है और आज है भी मंगलवार, तो भाई अच्छा दिन है वहाँ पे दर्शन करने का। और मेरे को मेरा दोस्त बता रहा था कि भाई वो भी एक बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, उस मंदिर के बाद सीधा चलेंगे अपने स्टे की तरफ जहाँ पे हम रह रहे हैं अपने दोस्त के घर पे, नानी के घर, वहीं जाने वाले हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं सीधा महावीर जी के मंदिर की तरफ। सो गाइस महावीर मंदिर जाने से पहले भाई हमने सोचा कुछ खा के जाते हैं, तो यहाँ पे भाई हमने करवाई है चाट, समोसे की चाट शायद, और ऊपर भाई देख सकते हैं केले वेले डाल के बहुत बढ़िया सजा के दिए। खाते हैं फिर चलते हैं सीधा महावीर जी के मंदिर की तरफ। यहाँ पे भाई बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं, मिठाइयों पर तो मन आ गया, सोच रहा हूँ एक आधी खा के जाऊँगा पक्का। तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं एंड भाई मेरी तो बहुत खातरदारी हो रही है यहाँ पे, एंड कल भी बहुत सारी सब्जियाँ थी, सुबह भी बहुत सारी सब्जियाँ थी खाने के लिए। अभी भी भाई आप देख सकते हैं कि पूड़ी और भाई साथ में आलू गोभी की सब्जी है और मटर पनीर की सब्जी है, दही है, चटनी है, भाई बहुत सारा सामान है खाने के लिए। अभी हम खाते हैं, भूख भी लगी है। तो गाइस अभी हम घर पे वापस आ चुके हैं एंड खाना पीना भी हो चुका है, कल हम निकलेंगे पूर्णिया के लिए। आसाम के रास्ते में आता है, बीच में हमें शायद पूर्णिया में स्टॉप लेना पड़ेगा आसाम पहुँचने से पहले। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।